खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे के साथ तहसीलदार की समझाइश के बाद खाद खरीदी केंद्र लौटे किसान। शनिवार की सुबह खाद खरीदी केंद्र से खाद नहीं मिलने की दशा में खाद खरीदी को लेकर टोकन प्राप्त कर पैसे जमा कर चुके किसानों को जब खाद खरीदी केंद्रों पर खाद नहीं दिया गया तो आक्रोशित किसानों ने पहले शिवपुरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। उसके बाद खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई। इसके बाद किसानों ने धरना खत्म किया। अभी किसान यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे हैं, किस कारण धरना दे रहे हैं और क्या आपकी मांग है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में खाद की, यूरिया खाद की भयंकर किल्लत बनी हुई है। अभी गेहूं में पानी देने के लिए यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है। यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल नष्ट होने के कगार पर है, परंतु श्योपुर जिले में खाद की भयंकर किल्लत बनी हुई है। इसलिए मजबूरन आज प्रशासन के समक्ष श्योपुर कलेक्ट्रेट पर श्योपुर के किसानों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है और मांग कर रहे हैं किसानों को यूरिया खाद शीघ्र अतिशीघ्र वितरित की जाए और जो एक खाद की कालाबाजारी श्योपुर में चल रही है उसको भी तत्काल बंद किया जाए और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट गेट के सामने किसान बैठे हैं, इस धरने को हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार चलाएंगे। 560 मीट्रिक टन का जो डिमांड भेजी गई थी, लेकिन हमारा शिवपुरी से हमें कुल 429 टन माल मिला है। लगभग 130 टन माल हमारा वहाँ शिवपुरी में रोक दिया गया है या वहाँ कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके संबंध में पत्राचार हो रहा है। तो हमारे 130 टन ना आने के कारण आज हमारे खाद में थोड़ी समस्या आ गई है और अभी हमारे 800 टन की डिमांड लग गई है और संभवतः वो रविवार या सोमवार तक माल हमारा आ जाएगा। मंगलवार से हम नियमित रूप से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।